What's up guys, welcome back to another video. मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद भटीजा. कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really good. और यार पिछले कुछ दिनों से मोमोज खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था मुझे, एंड आज फाइनली मैंने सोचा मेरे घर पे भी सबको मोमोज खाने, तो मैंने सोचा आज मोमोज बना लेते हैं. तो मोमोज मैं अभी बनाने वाला हूं, और आई थॉट यार मैं तो मोमोज बना ही रहा हूं, तो आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर कर लूंगा. क्या पता आपको भी हेल्प आ जाए, आप में से भी कोई घर पे बना ले. सो मोमोज ही नहीं, उसके साथ मोमोज की चटनी भी बनाऊंगा. ये मोमोज की चटनी का आपको सामान दिखा रहा हूँ, ये देखिए. तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए सारा सामान हम यूज करेंगे. ये चटनी मैंने एक चैनल पे देखी थी, यूट्यूब चैनल पे. वो चैनल कौन सा है, कौन से वीडियो में मैंने ये चटनी देखी थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा. सो लेट्स मेक द चटनी. तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, ये देखिए. इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम लोग मोमोज की तैयारी करते हैं. मोमोज बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है, वो हमको कैबेज लेना है, दैट इज पत्ता गोभी. उसको छोटे छोटे पीसेस में काटना है, एंड देन इसको कद्दूकस करना है. आप कद्दूकस भी कर सकते हो, या तो आप, मेरे पास ये कद्दूकस करने की मशीन है, इसमें डाल सकते हो. तो गाइस ये मैंने मैदा और ऑयल का डो बना दिया है. इसको बनाने के बाद आप 20 मिनट्स रख दीजिए बाजू में. एंड दिस इज कैबेज फाइनली चॉप करके, इसमें ग्रीन चिलीज भी मैंने डाली है. अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना है तो आप ग्रीन चिलीज में मत डालिए. एंड दिस इज कैरेट, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर दिया है. अब इन सबको लेके हम लोग इनका एक मिक्सचर बनाएंगे मोमोज का ना डालने के लिए. चलिए बनाते हैं. तो ये हमारे मोमोज बन चुके हैं, अभी हम इसको खाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सही से बनाए हैं या नहीं. इसकी स्टफिंग मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ, काफ़ी गर्म है यार ये. इसका टेक्सचर थोड़ा सा डार्क है फिलिंग का, क्योंकि हम लोग ने सोया सॉस थोड़ी ज़्यादा डाली, बट कोई रिग्रेट नहीं है बिकॉज टेस्ट हमको बहुत पसंद है. आपको अगर सोया सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम डाल सकते हो. रियली गुड. जो चटनी हमने पहले बनाई थी वो थोड़ी टोमेटो ही है, स्पाइसी काफ़ी अच्छी है, और मोमोज काफ़ी अच्छे से स्टीम हुए हैं, कच्चे नहीं है ना ही ज़्यादा ओवर कुक हो गए, उनकी टेस्ट काफ़ी अच्छी है. तो ये मोमोज आप एक बार खुद बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके मोमोज कैसे बने, अच्छे बने या अच्छे नहीं बने. और चटनी भी आप बनाइएगा, और चटनी मैंने जो चैनल से देखी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया, ऐसे और भी वीडियोज देखने हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ऐसे वीडियोज और बनाऊंगा. That was it for today's video. I hope you guys enjoyed it. और मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, एंड मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू गाइज.